नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यूलुब्रा आई जेल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, क्यूलुब्रा आई जेल को आंखों में कैसे डालना चाहिए और क्यूलुब्रा आई जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्यूलुब्रा आई जेल को आंखों में डालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्यूलुब्रा आई जेल का उपयोग आंखों में सूखापन यानी आंखों की ड्राइनेस को ठीक करने के लिए क्यूलुब्रा आई जेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आंखों में कोई चोट लगने पर या आंखों में कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर क्यूलुब्रा आई जेल को आंखों में डालने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि क्यूलुब्रा आई जेल आंखों में जलन और खुजली होने से बचाव करती है और आंखों में नमी को बनाए रखती है। क्यूलुब्रा आई जेल में आर्टिफिशियल आंसू होते हैं जो हमारी आंखों में नमी को बनाए रखते हैं और आंखों में इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। आंखों की लेसिक सर्जरी या कैटरैक्ट सर्जरी होने के बाद भी डॉक्टर आंखों में सूखापन और इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्यूलुब्रा आई जेल को डालने की सलाह दे सकते हैं। आंखों में सूखापन होने पर आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, आंखों का लाल होना, आंखों की दृष्टि धुंधली पड़ जाना, आंखों में भारीपन महसूस होना, आंखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आंखों में थकान होना, पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आंखों में या आंखों के आसपास चिपचिपे म्यूकस का जमाव होना आदि लक्षण आंखों में सूखापन होने पर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में क्यूलुब्रा आई जेल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन क्यूलुब्रा आई जेल को आंखों में डालने के बाद आंखों की दृष्टि कुछ समय के लिए धुंधली हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को क्यूलुब्रा आई जेल को आंखों में डालने के बाद आंखों में जलन, खुजली और आंखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर क्यूलुब्रा आई जेल को बंद करने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यूलुब्रा आई जेल को कितनी बार आंखों में डालना रिकमेंडेड होता है। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर क्यूलुब्रा आई जेल को दिन में एक बार और नाइट में सोते समय आंखों में डालने की सलाह देते हैं, लेकिन क्यूलुब्रा आई जेल की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको क्यूलुब्रा आई जेल को आंखों में डालने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यूलुब्रा आई जेल को आंखों में डालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्यूलुब्रा आई जेल को आंखों में डालने के बाद क्यूलुब्रा आई जेल के ढक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और क्यूलुब्रा आई जेल की बोतल की चोंच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। क्यूलुब्रा आई जेल प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी क्यूलुब्रा आई जेल का उपयोग करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्यूलुब्रा आई जेल को आंखों में डालने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका क्यूलुब्रा आई जेल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।